सभी का स्वागत है। दोस्तों, समाज और व्यक्ति, अगर हम समाज से जुड़ते हैं तो हमारे व्यक्तित्व का निखार होता है, व्यक्ति से समाज बनता है, समाज के तौर पर हमारे व्यक्तित्व और हमारी पहचान को डेवलप करता है। आज समाज के तौर पर हम अपनी पहचान को आगे बढ़ाते हैं और हमारे जीवन के जो उद्देश्य होते हैं वो समाज हमें देता है और हम समाज के लिए क्या करते हैं ये हमारे लिए समाज अपेक्षा रहता है। आज हम आपको एक ऐसे सामाजिक व्यक्ति से मिलवाते हैं जिन्होंने प्रोफेशनल तौर पर अपनी पहचान बनाई लेकिन सामाजिक तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। नमस्कार जी, अशोक जी भाई जी, आपका टीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपने हमें आप ये बताइए कि आप राजस्थान में वैसे कहाँ के रहने वाले हैं और शुरू से आपका आना कब हुआ? मैं राजस्थान में भिया शहर के पास, पुष्कर के पास भिया शहर से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ सूरत में करीब 92 में आ गया था। आपने 92 में आए तो आपने यहाँ एजुकेशन भी प्राप्त की राजस्थान में बेसिक एजुकेशन के बाद, तो आपने यहाँ सीए की पढ़ाई की। तो उस दौर में जब आप यहाँ सूरत आए तो कोई कुछ दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा जब आप नए शहर के अंदर नई पढ़ाई से भी आए हो? इसमें मैंने बीकॉम रावल से की थी, उसके बाद मैं सूरत शहर आया था। वो सूरत शहर में यहाँ सीए के सेंटर नहीं होने की वजह से हमको बम्बई एग्जाम देने जाना पड़ते थे और वहीं से मैंने काफ़ी 96 में मैंने क्लियर सीए की। क्योंकि मेरे यहाँ अंकल जी पहले से यहाँ प्रैक्टिस में थे इसलिए मैंने ये शहर सूरत ही चॉइस किया, और जो कि बहुत डेवलपिंग सिटी था इस हिसाब से मैंने सूरत ही किया। ये कहने के बाद में आपने कैसे अपने जीवन में शुरुआत की? क्योंकि हमारे ये पहले से ही अंकल का बिजनेस था इसलिए अपन को कोई इसमें प्रोफेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई और फिर धीरे धीरे हमने उसको पूरा हैंडल कर लिया। कुछ ऐसा भाषा का प्रॉब्लम या कुछ एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम या कुछ बेसिक कोई ऐसी कोई मोमेंट जिसका आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली जो ज़्यादातर क्लाइंट है वो हिंदी भाषी ज़्यादा थे इसलिए हमको कोई भाषा का प्रॉब्लम नहीं आया। जो भी गुजराती क्लाइंट थे तो वो भी हिंदी की अंडरस्टैंडिंग उनकी अच्छी थी इसलिए कोई प्रॉब्लम इसमें। आपने यहाँ काफ़ी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं और काफ़ी समाज के अंदर आपका योगदान है, तो कौन सी सामाजिक ऐसी संस्था जिनसे आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं? मैं यहाँ बहुत सी संस्थाओं से जुड़ा हुआ जिसमें मायेसी सेवा सदन है, मायेसी स्कूल है, मायेसी भवन समिति है और अन्य लॉयंस क्लब आदि मेंबर से मैं सब में जुड़ा हुआ। तो ये मैसूर समाज के अंदर आप जुड़े हो, मैसूर समाज में आपकी क्या भूमिका और आप समाज के दृष्टिकोण में क्या चाहते हैं जो समाज हमारा ऐसा निकल के आए बाहर ताकि हमारी पहचान और हमारी सामाजिक पहचान एक अलग तरह से विकसित हो? मैं तो सभी से ये निवेदन करता हूँ कि सब ज़्यादा से ज़्यादा कम्पिटेटिव एग्जाम में अपना पसंद करें और उसके हिसाब से अपना लाइफ का नया करियर शुरू करें। 96 में जब आपने सीए की थी उस दौर में सीए का क्रेज एक अलग होता था, उसमें में सीए की संख्या तो कम होती थी और आपके जैसे मैसी समाज के अंदर काफ़ी लोग बिजनेस के अंदर यूँ रहते हैं, नहीं कि सीए या कुछ सरकारी तंत्र के अंदर जाना पसंद। उसमें कहीं आपको ऐसा घर से ऐसा कुछ मैसेज मिला था कि नहीं आप बिजनेस कीजिए या आप बिजनेस में ज़्यादा रुचि दिखाई नहीं कि सीए कीजिए? नहीं नहीं, क्योंकि मेरे अंकल पहले से ही इस प्रोफेशनल लाइन में थे तो मेरे को सीए करना बहुत ज़रूरी है इसीलिए मैंने यही चॉइस की कि सीए में मैं आगे बनकर उनका हेल्प। आपने यहाँ सूरत के अंदर काफ़ी संस्थाएं से आप जुड़े हो मैसूर समाज, तो आप मैसूर समाज के तौर पर आपने यहाँ काफ़ी सामाजिक संस्थाएं और भी राजस्थान समाज की जुड़ी हुई है, उनमें सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ चेहरे चवार को जो भावनात्मक लगाव होता है उनका क्रेज कम हो रहा है, तो उस समाज के तौर पर आप क्या चवार जो राजस्थान के जो कल्चर को इफेक्ट डालते हैं वो कैसे आप यहाँ पर एंजॉय करते हैं? नहीं, इसमें क्या है, यहाँ वैसे मारवाड़ी समाज काफ़ी है फिर भी जो सामाजिक त्यौहार होता है जो राजस्थान में होता है वो यहाँ इतना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे क्या होता है जैसे इनको कोई सोशल गैदरिंग एक साथ करके यहाँ पूरा समाज को एक साथ एकत्रित करके ये कोई ऐसे प्रोग्राम या ऐसे फंक्शन किए जाए तो हो सकता है उसका राजस्थान का जो इफेक्ट है वो यहाँ पर भी देखने को मिले। अपने आज हम देखते हैं हम जो पुराने तो लोग हैं उनको राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी कल्चर है, राजस्थान के हमारा उनका काफ़ी नॉलेज है लेकिन जो आने वाली जनरेशन उससे हम लोग वो चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं, इसमें हम लोग क्या पारिवारिक भूमिका ऐसी बनाए जिससे कि लोगों को भी भाषा त्यौहारों का काफ़ी नॉलेज हो? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है बच्चों का उनका राजस्थान से जो है वो लगाव रखना पड़ेगा, वहाँ आना जाना पूरा प्रत्यक्ष अत्यक्ष रखना पड़ेगा ताकि उनको वहाँ के जो भी त्यौहार या जो भी वहाँ के फंक्शन है उसको अपन सही तरह से मुआयना कर सके। अब राजस्थान में पुष्कर नगरी से रहने वाले पुष्कर राजस्थान के सब तीर्थ स्थान है जहाँ से सभी जाना पसंद करते हैं और एक अच्छा
त्यौहार माना धार्मिक नगरी माना जाता है, तो वहाँ के बारे में हम कर रहे हैं, वहाँ पे जब आप रहे हो, जन्म से आप वहाँ रहे हो, तो आप वहाँ पे आना जाना आपको कैसा लगता है? नहीं नहीं, राजस्थान का एक अलग ही है, वहाँ का जो लोकेशन है, वहाँ की जो हवा वगैरह है, वहाँ का जो कल्चर है वो बिल्कुल एक डिफरेंट है और एक अलग ही है। इतना जो वहाँ का एंजॉयमेंट है, वहाँ की जो लाइफ है, वो यहाँ इतना प्रॉपर वे में कर नहीं पाती। आप प्रैक्टिस में आए काफ़ी समय से, बिजनेस के अंदर भी इन्वॉल्व रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना समाज में आपकी काफ़ी रहती है, तो आप पारिवारिक तौर पर समय कैसे दे पाते हैं अपने परिवार? नहीं नहीं, वह तो हमारा क्या आता है, ज़्यादातर समय फिक्स, ऑफिस का समय फिक्स ही रहता है, 10 से 7-8 बजे तक बैठते हैं, बाकी के टाइम में जो हमको टाइम मिलता है वो पूरे परिवार के लिए देते हैं, सोशल काम के लिए देते हैं, और इसके अलावा जब सैटरडे संडे वो छुट्टी रहती है तो भी हम पूरे सोशल वर्क में इन्वॉल्वमेंट करते हैं। आपने सोशल कवर करना चालू किया तो आपकी प्रेरणा कैसे मिली, क्योंकि आप जैसी प्रोफेशनल व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस से भी बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि उसको सामाजिक तौर पर जाना आना, उसके पास समय का अभाव रहता है, प्रेरणा और ये समय का एडजस्टमेंट आप कैसे कर पाते हैं? नहीं नहीं, ये कोई प्रोफेशनल आदमी के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एक दायित्व रहता है, ऐसा नहीं है कि वो खाली प्रोफेशनल हो गया तो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं रहती। आज एक प्रोफेशनल की सबसे ज़्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके बाद प्रोफेशनल काम होता है, तो इस तरह पूरे प्रोफेशनल के पैरेलल अपन को सोशल एक्टिविटी उनको किस तरह डेवलप करना है वो भी करना ही पड़ेगा। अपने यहाँ राजस्थान में काफ़ी लड़कियों को एजुकेशन का महत्व कम ही रखा जाता है, और बाहर आते हैं हम प्रवासी मिलकर जाते हैं तो इतने फ्रीडम का उनको देते हैं, वो एजुकेशन में तो काफ़ी आगे बढ़ते हैं, लड़के जो है वो कम से कम एजुकेशन के अंदर अपने पिताजी के बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये जो जनरेशन जो का जो सोच का जो आ रहा है, अभी लड़कियाँ काफ़ी पढ़ रही हो, लड़के कम पढ़ गए, आगे बढ़े तो उसमें लड़कियों की मानसिक रहे कि हम पढ़ कम पढ़े, क्योंकि लड़कों के साथ कैसे अपने जीवन में आ जा रहे हैं, इस दौर को आप कैसे संजो कर रहे, पढ़ाई का महत्व क्या है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है? नहीं नहीं, आजकल एजुकेशन तो हर सेक्टर में और उसको पढ़ना करना वो तो बहुत ज़रूरी है, और आजकल क्या हो गया है कि जैसे अपन देखते हैं ना कि प्रोफेशन में जो लड़के लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही है और लड़के कम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है, जैसे सूरत जैसी नगरी है वहाँ पे क्या होता है, इतना कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहता नहीं है, फादर मदर के बिजनेस ऑलरेडी सेटेड रहते हैं, और आजकल फैमिली में बहुत छोटी छोटी हो गई जिसमें एक बच्चा रहता है, तो जब फादर यही सोचता है कि भाई मेरा जो अंत का पूरा बिजनेस डेवलप है मैं उसी में अपने लड़के को इन्वॉल्व कर दूँ, तो जो एजुकेशन बेसिक लेवल का होता है उतना तो सब लड़के पढ़ते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते हैं, उसके बाद जैसे लड़कियां कुछ एजुकेशन ज़्यादा करती है, पर वो क्योंकि उनका कल्चर और उसमें वो सेट हो जाता है तो उनमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं आती है। उसमें फिर वो उनकी सोच जो होती है, हमने जैसे कई लड़कियों के बारे में बात की है, कई लड़कों से तो सोच होती थी, हमने जब सीए की डिग्री की है, सीए सामने की है, एमबीए हमने की है, लड़कियों की सोच बता दूँ आपको, तो हम ऐसे लड़के के पास होंगे जिसमें खाली ग्रेजुएशन किया है, नहीं उसमें क्या होता है जैसे ग्रेजुएशन कर रहा था पर उनका जो डेवलपमेंट, उनका रहने का करने का वो सब एक प्रोफेशनल लाइफ स्टाइल का है, तो उनमें वो एडजस्ट हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, मारवाड़ी लोग सोचते हैं वो ज़्यादा, इतना जो लड़कियों के स्पेशली है वो इतने प्रोफेशनल कैरियर में अपना जीवन ज़्यादा नहीं लगती है, सर्विस नहीं करती है, फिर थोड़े 1-2 साल शादी के बाद वो अपने फिर लाइफ में अपनी बिजी हो जाती है, तो इतना उनका वो कैरियर का उतना प्रश्न खड़ा नहीं। अपने कभी ऐसा मन आता है जब राजस्थान में काफ़ी पले बड़े हैं, बचपन आपका वहाँ निकला है, तो ऐसा कोई त्यौहार या ऐसा कोई दिन जिस दिन आपको ये लगे ये चीज़ है तो मैं राजस्थान में अपने दोस्तों अपने पुराने साथियों के साथ शेयर करूँ? नहीं नहीं, ऐसा तो जैसे राजस्थान का सब जैसे दिवाली का त्यौहार बहुत अच्छी तरह धूमधाम से मनाया जाता है, जैसे पुष्कर में कार्तिक का मेला बहुत अच्छी तरह मनाया जाता है, तो उनमें ऐसा लगता है कि अपन चलो उस समय अपन वहाँ के पढ़ रहे थे तो अच्छी। आप ऐसे समाज के तौर पर क्या है, आप ये भी है और आप समाज के प्रतिनिधि भी हैं, तो आप समाज के तौर पर लोग ऐसे लोगों को क्या महत्व देना मैसेज देना चाहेंगे जिन लोगों ने कम समय में अधिक पैसा कमाने की होड़ लगी है जो युवा जनरेशन के अंदर, या कम समय में वो ज़्यादा पहचान अपनी बनाना चाहते हैं, तो उससे क्या होता है उनका जो पक्ष का जो मार्गदर्शन है वो बिगड़ जाता है, तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इन लोगों को? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है कि उसमें स्टेप बाय स्टेप ही आदमी को अपनी प्रोग्रेस करनी चाहिए, यदि एकदम उसमें डायरेक्ट स्टेप आप यूज करोगे तो हो सकता है उसमें कभी आपको पीछे भी जाना पड़े, पर स्टेप बाय स्टेप यदि आप प्रोग्रेस करोगे धीरे धीरे आपका सब लेवल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा दिन के दिन के।
राजस्थान का जैसे जन जन में राजस्थान पूछे तो राजस्थान का जो कल्चर है, राजस्थान का जो एक अट्रैक्टिव जो कल्चर है जिससे हम लोग भलीभांति परिचित रहते हैं, हमारा मन कहता है हम राजस्थान से लीजिए, राजस्थान के लिए मरे, तो उस कल्चर के अंदर जो हम यहाँ का जो कल्चर देखते हैं उसमें भी आपको अंतर दिखाई देता है? नहीं, थोड़ा तो जो वहाँ का जो है, वहाँ का जो मेल मिलाप है वो है, यहाँ पे उतना नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ का तो एक लिमिटेड रहता है, कुछ लिमिटेड गांव में रहता है तो सबसे मिलना जुलना हो जाता है। यहाँ तो अब इतनी बड़ी सिटी रहती है तो सबका अपना अपना हिसाब रहता है, सबका अपना अपना टाइम रहता है, सबका अपना अपना समय होता है और समाज को हम समय देते हैं। युवाओं को इन्होंने मैसेज दिया कि अगर आप स्टेप बाई स्टेप कदम उठाएंगे तो आप निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे और आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, ये इनका कहना है। और आज इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की, उन्होंने समाज को एक मैसेज दिया और युवाओं को एक मैसेज दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, भाई जी, आपका थैंक यू।